इजराइल, जिसे सुरक्षा और खुफिया तंत्र के हिसाब से काफी मजबूत देश माना जाता है, उस पर एक उग्रवादी संगठन हवा, जमीन और पानी के रास्ते घुसपैठ करके ऐसा हमला करता है कि दुनिया की रूह कांप जाती है। इस हमले में फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने बहुत कम वक्त में हजारों रॉकेट दाग दिए और जबरदस्त किलेबंदी वाली सीमा को भेद कर घुसपैठ कर दी। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, मसलन ये सब हो कैसे गया, इसराइल में मौजूदा हालात क्या हैं और अब आगे क्या हो सकता है, आपको बताएंगे हर बड़ी बात। इसराइल ने हमेशा हमास को अपना दुश्मन माना है, लेकिन 2021 में करीब 10 दिन चली लड़ाई में गाजा को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद से इसराइल ने स्थिरता कायम करने के लिए एक अलग तरह की रणनीति अपनाई। इसके तहत उसने गाजा वासियों को इसराइल या अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के इलाकों में काम करने की अनुमति दी। पिछले 18 महीनों से वेस्ट बैंक में हिंसा भड़की हुई है, हालांकि गाजा छोटी मोटी सीमा पर झड़पों के अलावा अपेक्षाकृत तौर पर शांत रहा। ऐसे में माना गया कि इसराइल का ध्यान मुख्य रूप से वेस्ट बैंक पर ही केंद्रित रहा। इस बीच हमास ने इसराइल के साथ साथ दुनिया को चौंकाते हुए अचानक जिस तरह का बड़ा हमला कर दिया, उससे साफ लगता है कि हमास लंबे वक्त से इस हमले की योजना बनाने में जुटा होगा। ऐसे में सवाल है कि इसराइल के खुफिया तंत्र को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, और अगर कोई भनक लगी भी तो उससे निपटने के लिए कोई प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाया गया। कुल मिलाकर इस मामले में सबसे पहले इजरायली खुफिया तंत्र की बड़ी नाकामी मानी जा रही है, उसके बाद इजरायल के सुरक्षा तंत्र और सुरक्षा रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि हमास ने ये हमला किया क्यों, तो उसने कहा है कि ये हमला फिलिस्तीनी इलाकों पर इजरायल के लगातार कब्जा करने और फिलिस्तीनी लोगों पर इजरायल के अत्याचार के जवाब में किया गया है। हमले के दौरान हमास के बंदूकधारियों ने जमकर तबाही मचाई, सड़कों पर लाशें बिछा दी और एक संगीत महोत्सव में शामिल हुए लोगों पर भी कहर बरपाया। उसने बहुत से लोगों को बंधक भी बना लिया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कुल मिलाकर हमास ने इजरायली सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में इजरायली नागरिकों पर भी हमला किया है। इस बीच लेबनान से उग्रवादी संगठन हिजबुल्ला ने भी विवादित इलाके में इजरायली ठिकानों पर हमला किया है, जिसका इजरायल ने जवाब भी दिया है। ऐसे में इस युद्ध के और भीषण होने की आशंका है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। उन्होंने कहा है, हमारा पहला मकसद हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करने वाली दुश्मन ताकतों को बाहर निकालना और जिन समुदायों पर हमला हुआ है उनके लिए सुरक्षा और शांति बहाल करना है। हमारा दूसरा मकसद दुश्मन से भारी कीमत वसूलना है, गाजा पट्टी के भीतर भी। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल हमास के ठिकानों को मलबे में बदल देगा। फिलहाल एक पहलू ये भी है कि इजराइल के बहुत से लोगों को हमास ने बंधक बना के रखा है, इसने इजराइल की जवाबी कार्रवाई को जटिल बना दिया है। चलिए आखिर में आपको इस मामले पर पूर्व राजनयिक का एक बयान भी सुना देते हैं। जो डेवलपमेंट्स पिछले 24 घंटों में हुए हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं, और इससे कई परिस्थितियां बदल जाती हैं। पहली बात तो ये कि इसराइल के बारे में जो कहा जाता था कि एक पत्ता भी खड़कता है मध्य पूर्व में तो इसराइलियों को पता होता है या वो खुद करते हैं, उसे सिद्ध हो गया कि उसमें अतिशयोक्ति है। हालांकि मौका बड़े समय बड़े ध्यान से चुना गया था, ये शनिवार था जिसको इजराइल में सप्त कहते हैं, जिसमें इजरायली खाना नहीं खाते हैं, जिसमें इजरायली कुछ नहीं, ज्यूज़ के लिए कुछ भी करना मना है, यहाँ तक कि फ्रिज का दरवाज़ा भी खोलना मना होता शनिवार के लिए। उनके लिए शनिवार अलग माह, सप्त कहते हैं उसको, सब्बात अरबी में यानी अंग्रेजी में उसको कहा जाता है, वो अलग है। दूसरा, कल सिमशात का एक त्योहार था यहूदियों में, जिसमें पूरा दिन
अपनी जो उनका ग्रंथ है धार्मिक ग्रंथ तोरा उसको पढ़ने के लिए समर्पित है। तीसरा, इज़राइल के अंदर विवाद चल रहा है जिसमें कि कहा जा जिसमें कि सरकार चाहती है कि जो अदालतें हैं उनके ऊपर अंकुश लगाए और काफ़ी जनता इसके विरुद्ध है, लेकिन सरकार का बहुमत है हल्का सा संसद में और उसको पास करा लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट खुद अपने अधिकारों के हनन के बिल पर उसकी वैधानिकता पर विचार कर रहा है और प्रदर्शन जारी है। इस तरह से देश विभाजित है इतनी बुरी तरह से कि एक ज़माने में जो इजरायली सेना के रिजर्विस्ट ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा हम ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे इस बिल के विरुद्ध। तो इजरायल की सैनिक क्षमता पर आघात पहुंचा हुआ है। इन परिस्थितियों में हमला किया गया शनिवार को, त्योहार के दिन, विभाजित इजरायली परिवार को समझते हुए। तो इसका चुनाव बड़े सलीके से किया गया और याद हो आपको कि 50 साल एक दिन पहले 6 अक्टूबर 1973 को ऐसा ही हमला इजिप्ट और सीरिया ने किया था इज़राइल पर। उस दिन भी यहूदियों का त्योहार था। तो उसकी का प्रतिबिंब इसमें दिखता है, लेकिन सीमाएं वहां पर जाके रुक जाती हैं। इज़राइल के ऊपर जो हमला 50 साल पहले हुआ था वो इज़राइल के इस अस्तित्व को मिटाने की का खतरा था। जो हमास ने किया है वो एक बहुत छोटे पैमाने पर है, हालांकि नाटकीय तरह से हुआ है। उस समय भी नाटकीयता थी क्योंकि इज़राइल के ऊपर एकदम से कुछ हुआ था, इज़राइल की अपेक्षा से अलग था। अब जो है वो फिर से वैसा ही हुआ है, लेकिन इसका जो अंतिम परिणाम होगा उसमें सैनिक परिणाम के बारे में कोई शक नहीं है। इज़राइल बहुत ही शक्तिशाली देश है और एक बार जब लामबंदी हो जाएगी फौज की तो इन सबको पीछे धकेल दिया जाएगा, हमास को, इस्लामिक जिहाद को पीछे धकेल दिया जाएगा और बॉर्डर फिर से सिक्योर हो जाएगा। हो सकता है कि इज़राइल सैनिक दखलंदाजी भी करे, एक सेना भेजे गाज़ा में, वहाँ अभी उसके कोई सैनिक नहीं है, वहाँ पर उसकी कोई बस्तियाँ भी नहीं है, वेस्ट बैंक में है ये सब लेकिन इधर नहीं है। तो सैनिक भेज करके और तोड़ फोड़ करे, पकड़े लोगों को, अपने लोगों को ढूंढे, उनको रेस्क्यू करे वगैरह, उस टाइप की बातें हो सकती हैं आने वाले दिनों में। जी, अगर वो होता है तो काफ़ी और ज़्यादा हिंसा होगी